हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे SDS इन्वेंशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ये सोलर लाइट आप देख रहे हो, अगर आपके घर के आसपास ऐसी सोलर लाइट लगी हुई है और वो वर्क नहीं कर रही, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना बैटरी के भी उसे आप चला सकते हो। उसे चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की, जो कि मैंने ये एक बॉक्स टाइप बनाया हुआ है। और अगर आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है, ये आपको किसी भी स्प्रेयर पंप को चार्ज करने वाला मिल जाएगा, और या फिर आपके किसी सेटअप बॉक्स का पुराना अडाप्टर पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, अब हम इस 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से इसे चलाकर देखते हैं। ये है ये सोलर लाइट। तो सबसे पहले आपने इसका बॉक्स ओपन करना है, और उसके बाद ये जो लाइट की तारें हैं इसे आपने ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर को लगाना है और नेगेटिव में नेगेटिव को लगाना है। और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर को आपने एसी सप्लाई देनी है, जो कि हमारे घरों में बिजली आती है उससे सप्लाई देनी है। और ये लाइट इतनी बिजली का भी खर्च नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ 12 वोल्ट ही यूज़ करती है। इसे दोस्तों, अब ये सारे कनेक्शन करने के बाद ये लाइट चल रही है, और मैं इसका व्यू आपको रात को भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारी लाइट रात को अच्छे से चल रही है, तो मैं आपको बाहर से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि वो दूर एक और लाइट है, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इसकी है। तो आप भी ऐसी कोई भी लाइट हो आपके घर के आसपास जिसकी बैटरी नहीं है या फिर बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो आप ऐसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर उसे चला सकते हो, या फिर आप 12 वोल्ट का अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो हो सके।